जो डिजर्विंग लोग होते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना आपका? राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और वो तरह तरह की बातें बीजेपी को लेके। मुझे वो, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है, वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितने, जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है, इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो जिंदगी में करते, जैसे हमने थ्री इडियट के जैसे फिल्में देखी हैं। बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर्स ही उनके शिकार होते हैं, वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। वो कुछ और करते, किसी और, हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता, आप उनका जिस तरह से सब, वो एक्टर बन सकते हैं वो डेफिनेटली। कई, उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर स्त्री भी हैं, तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो वो, तो शायद वो जो सुनने में आता है किसी महिला से प्रेम करते, उनकी शादी भी नहीं हो पाई, जो भी है, जिस तरह से भी सिचुएशंस हैं, हमने तो देखिए ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों उनकी शादी नहीं हुई, क्यों उनका घर नहीं बसा, या किस तरह से उनको एक करियर नहीं उनका कोई बन पा रहा है, या किस तरह से सफलता उनको किसी भी मुकाम में नहीं मिल पा रही है उनके। एक तरह से मुझे अकेले लगते हैं वो, बहुत ज़्यादा अकेले लगते हैं, और मुझे लगता है उन पर प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो करो करो, तुमसे चाहे ये हो चाहे नहीं हो, पर तुम ये करो। अब ऐसी स्थिति में वो अभी भी, वो 60 के होने वाले हैं, फिर भी उनको यंग यंग करके बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है, उनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी उन्होंने बिल्कुल नरक कर दी है, करो करो करो, करना ही पड़ेगा। अब वो बच्चे जो है एकदम से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी भी यही स्थिति है। आपको लगता है राहुल गांधी पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और करना चाहिए? डेफिनेटली उनको करना चाहिए था, और वो सफल हो सकते थे। अभी ये काम उनका नहीं है, ये नहीं हो रहा है उनसे, उनकी माता समझती नहीं है, और वो उनको जो है किसी ना किसी तरह, जो हमें लगता है वो जबरदस्ती उनसे ही कराया जा रहा है। और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहना है? उन्होंने तो महिलाओं के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ यूपी चुनाव में कैंपेन किया, और दोनों में बेहतर कौन लगता है आपको, प्रियंका और राहुल? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मुझे वो दोनों हालात के मारे हुए लगते हैं। मुझे लगता है उनकी माता को उन्हें इस तरह से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगता है, मैंने कहा मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक प्रत्याशी हूँ, अभी मुझे जो है वो, तो मुझे ये सब राजनीतिक लैंग्वेज आती नहीं है। मैं आपको एक साधारण लैंग्वेज में बता रही हूँ जो कि एक महिला को लग रहा है बाहर से देख के। मुझे लगता है वो अच्छे बच्चे हैं, उनको जो करने देना चाहिए था, सुखी जिंदगी जीने देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ, उनका बुरी तरह से जो है वो टॉर्चर हो रहा है, और अब वो दोनों ही परेशान लगते हैं। दोनों पॉलिटिक्स में आपको लगता है आगे फ्यूचर क्या देखते हैं दोनों का? मतलब आप कैसी बातें कर, क्या फ्यूचर उन लोगों को टॉर्चर करके? ऐसा लगता है कि जैसे एकदम से दोनों को देख के लगता है कि बहुत ही एक तरह से परेशान हैं वो दोनों, अपनी जिंदगी से परेशान हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी और, अपनी जिंदगी से दोनों परेशान लगते हैं। आई होप कि अभी भी टाइम है, और अच्छी कोई उनकी माता उनका अच्छा मार्गदर्शन करे, और बच्चों के जो खुद के अपने जो है, जैसा थ्री इडियट जैसी फिल्मों में दिखाया जाता है, उनको एक्सेप्ट करे जो उनके खुद की वो है,